हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि गुरुवार को शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों के जिला ऊना, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और मंडी के कुछ भागों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया, हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है, वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। उन्होंने बताया, आगामी दिनों में मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है और एक्सट्रीम हाई रिजेस पे बर्फबारी हल्की सी हुई है। आगे का ऐसा है कि जो मध्यम और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र के जो जिले हैं, वहाँ पे हल्का बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बाकी प्रदेश में आमतौर पर मौसम जो है साफ रहेगा, ठीक रहेगा। और जो मैदानी इलाकों के जो ज़िले हैं, जिसमें ऊना है, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर के एरियाज, वहाँ पर तापमान बढ़ सकते हैं, वहाँ पर 40 प्लस तापमान भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऊंचाई वाले एरिया है वहाँ पे आमतौर पर मौसम जो है या तो साफ रहेगा या वहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। और तापमान जो है, जैसे मैंने कहा कि ऊपर तो कम ही रहेंगे, लेकिन नीचे जो है जो मैदानी इलाके वहाँ पे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो है हीट वेव कंडीशन से निजात मिल चुका है। अब जो है अब हीट वेव कंडीशन कहीं नहीं है, सिर्फ बिलासपुर, ऊना, यहाँ पे 40 प्लस या 40 के आसपास तापमान है। और तापमान में जो है न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री के आसपास अंतर पड़ा है और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आई है पिछले 24 आवर्स में। शिमला की अगर बात करें तो यहाँ बारिश का कभी तो आने वाले दिनों में भी कोई संभावना है ऐसी की बारिश? बीच बीच में थंडर स्टॉर्म, जैसे बीच में कोई क्लाउड बनता है, कोई थंडर क्लाउड बादल आ जाते हैं, वैसी संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले कल बारिश हो गया, इस तरह का चांस कम है। लेकिन ये होता है कि थंडर स्टॉर्म तो इस सीज़न में कभी भी हो जाता है, क्योंकि मानसून भी आने वाला है, तो उसके चलते कभी भी जो ओकेजनल जो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए बादल बनेंगे और बरस जाएंगे, इस तरह की संभावना रूल आउट नहीं की जा सकती शिमला में भी। लेकिन ऐसे मौसम जो है अब थोड़ा ठीक रहेगा, तापमान भी बढ़ेंगे।